मैं इस वक्त रामपुर की तहसील बिलासपुर के टेमरा गांव में हूँ। आप गांव में देख सकते हैं किस तरीके से घर डूबे हुए हैं, 12 घंटे की बारिश पड़ी है इस बार, और टेमरा गांव के अंदर किस तरीके से सैलाब आया आप देख सकते हैं, पानी ही पानी दूर से दूर तक। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप ये नजारा देखें, कई मकान जो है सामने जो है लोग फंसे हुए हैं, किस तरीके से पानी ही पानी यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सोमपाल। सोमपाल जी, कैसे यहाँ पर जो है हालात हो जाते हैं पानी आते हर साल? वैसे ही हो जाता है, अगर जब पानी बचता है तो एक ही दिन में पूरी पानी सब गांव में पानी भर जाता है पूरा। अच्छा, कैमरा गांव में कितने गांव ये घर डूबे होंगे? लगभग 15-20 घर है, लगभग 15-20 सारे। ये आना जाना इन लोगों कैसा होता है, कैसे लोग ऐसे ही पानी से निकलते हैं बहकर? कैमरामैन, मैं आपसे कहूंगा करीब आए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ के हालात दिखाएं कि लोग आने जाने में इन लोगों की दिक्कत होती है। मैं खुद इन तस्वीरों को दिखाऊंगा। भैया कैसे आते हैं आप लोग यहाँ पर, मतलब बाहर आते हैं? किनारा किनारा। तो आप देखें कई सारे घर हैं जो सैलाब के पानी से जो है में घिरे हुए हैं, और यहाँ सैलाब का पानी इतना है कि सड़क क्रॉस कर रहा है। देखिए सड़क है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो कुल के गांव में कई सारे मकान जो है वो सैलाब में डूबने की कगार पे हैं। ये मकान डूबा हुआ है, वहां से सारे मकान उस लाइन पे डूबे हुए हैं। पानी जो है बढ़ रहा है, क्योंकि 12 घंटे की बारिश ने पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ा दिया है। टेमरा गांव समेत कई सारे ऐसे गांव हैं यहाँ पर जो पानी में डूबे हैं, कई मकानों में पानी है, लोग अपने घरों में बंद हैं और यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हालांकि स्थानीय लोग यहाँ पर जो है उन लोगों को निकालते हैं ट्यूब के जरिए, और कुछ लोग बचाव कार्य का सामान भी यहाँ पर भेजते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सोमपाल जी, किस तरीके का पानी गांव में आ जाता है? बरसात होती है तो एक दिन बरसात में पूरा पानी ऐसे आ जाता है, और पूरे बिहार से बहता है पूरा पानी सामने से। इसकी वजह से क्या परेशानी पड़ती है? क्या लोगों को आना जाना, घरों में दिक्कत, खाने पीने की व्यवस्था, घर से निकल नहीं पाते हैं, कई समस्याएं हो जाती है।